दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो है एसबीआई का एक छोटा सा अपडेट देने आए हैं। जी हां, एसबीआई का योनो लाइट एप्लीकेशन जो है उसमें जो है 28 तारीख को जो है एक अपडेट आ चुका है। मैं हालांकि जो है 2-3 दिन बाद ये अपडेट आपको दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस हफ्ते ज्यादा बिजी था, इसलिए जो है आपको वीडियो भी कम देखने को मिले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको जो है रेगुलरली जो है वीडियो देखने को मिला करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेंगे आज के इस अपडेट में। तो यहाँ पे जो 28 जनवरी को अपडेट आया है एसबीआई योनो लाइट में, तो इसमें हम जानेंगे क्या क्या नया आया है। तो हो सकता है काफी लोगों ने इस अपडेट को देख लिया हो, वर्जन को अपडेट भी कर लिया हो। अगर आपने अभी तक वर्जन को अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर की मदद से जो है वहां पे जाके आप अपने वर्जन को जो है अपडेट कर लीजिए। अपडेट में क्या है ये जान लेते हैं। पहला अपडेट तो यहाँ पर ये है, जिन लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे तो उनके लिए जो है ये बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है, क्योंकि उन लोगों के ज्यादातर कमेंट आ रहे थे यहाँ पे जो है अकाउंट ट्रांसफर को लेके। तो यहाँ पे जो अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन है ये अभी तक जो ऑनलाइन पोर्टल पे हमें देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे जो है अब योनो लाइट एसबीआई के अंदर जो है इसे स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि ये योनो एप्लीकेशन के अंदर जो है अभी कमिंग सून में है, योनो एप्लीकेशन में अभी वर्क नहीं कर रहा है। वहां पे ऑप्शन तो डाल दिया लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन योनो लाइट एसबीआई का जो अपडेट आया है इसमें जो है ये वर्क करने लगा है। आप जो है आप सर्विस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे सबसे लास्ट में नीचे आपको जो है देखने को मिल जाएगा अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन। वहां पे जाके आप जो अगर अपनी होम ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अभी लोकल में अपना अकाउंट है और हम कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं किसी दूसरी ब्रांच में, तो हम जो है डायरेक्टली जो है योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन की मदद से उसे ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन वाला प्रोसेस आपको बताया था अकाउंट ट्रांसफर का, तो वहां पे कई सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर अकाउंट तो हमारा ट्रांसफर हो गया है लेकिन सीआईएफ हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे अकाउंट तो आपका इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। आप जैसे ही ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट का जो ब्रांच कोड है वो चेंज हो जाएगा, आपने जहां भी ट्रांसफर किया होगा उसी ब्रांच का जो है ब्रांच कोड आपको शो होने लगेगा। लेकिन यहाँ सीआईएफ ट्रांसफर होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ऑटोमेटिक अकाउंट के साथ ही ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे इंस्टेंटली आपको अकाउंट नंबर ट्रांसफर हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे आप 4-6 दिन बाद तो वहां पे सीआईएफ भी आपका जो है ट्रांसफर हो चुका होगा। कई सारे लोगों के जो है इस बात को लेकर कमेंट आए थे कि सर सीआईएफ हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो सीआईएफ भी ट्रांसफर होता है लेकिन वो तुरंत नहीं होता है, कुछ समय बाद होता है। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तो आपका सीआईएफ भी जो है उसी ब्रांच में पहुंच चुका होगा जिस ब्रांच में आपने अकाउंट को ट्रांसफर किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपडेट मुझे लगा है उन लोगों के लिए जो अकाउंट ट्रांसफर को लेकर जो है बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं। अब उनको बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, अब जो है खुद से जो है योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन की मदद से ही वो अपने अकाउंट को किसी भी दूसरी ब्रांच में लेके जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अपडेट है फिक्स डिपॉजिट को लेके, या जो है रिकरिंग डिपॉजिट जिसे आरडी भी बोलते हैं, इन अकाउंटों को लेके जो कि अभी तक यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आप जो है फिक्स डिपॉजिट या आरडी खोलना चाह रहे हैं तो आप जो है योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने पिछले अपडेट में योनो का बताया था, तो योनो में भी ये स्टार्ट कर दिया गया है और अब जो है योनो लाइट एसबीआई में जो अभी तक ओपन नहीं हो रहे थे अकाउंट, अब वो सारे अकाउंट यहाँ पे ओपन होने लगेंगे। जैसे कि आपका एफडी का अकाउंट हो गया, आप अगर एफडी ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आरडी खोल सकते हैं और ऑनलाइन क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है योनो लाइट एसबीआई के अंदर ये जो है खास जो है दो अपडेट थे जो मैंने आपको दे दिए हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों एसबीआई योनो लाइट के ये दोनों अपडेट आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे, क्योंकि इन चीजों को लेकर काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे जो कि एसबीआई ने अपनी तरफ से अब इनकी समस्याओं को दूर कर दिया है। जिन लोगों के इस चीज को लेकर कमेंट थे तो उनकी अब सारी समस्याएं यहां से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब वो जो है यहीं से अपना अकाउंट भी ट्रांसफर कर सकेंगे और जो है इसी एप्लीकेशन की मदद से अपना फिक्स का अकाउंट हुआ या आरडी अकाउंट हुआ वो ओपन भी कर सकेंगे और क्लोज भी कर सकेंगे। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा, एसबीआई की फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स केवल हम ही नहीं पढ़ते हैं, जितने भी व्यूअर आते हैं सारे आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनको इससे आइडिया लगता है कि ये एप्लीकेशन जो है कितना हेल्पफुल है या जो है कितना हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। तो अपना ओपिनियन जो है कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर किया करें, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी वीडियो हो कमेंट जरूर किया करें, अपना ओपिनियन जो है जरूर दिया करें, जिससे कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है पता चल सके कि आप लोगों की नजर में उसकी क्या वैल्यू है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया प्लीज लाइक से जरूर करना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकॉन ऑल पे करके प्रेस कर लेना, जिससे कि अगला वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।